चलिए मैं ही पढ़ देता हूँ, ठीक है? चलिए, आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। टुडे इंशाल्लाह वी आर गोना स्टार्ट विद कुरानिक पैसेज नंबर 4 व्हिच इज फ्रॉम सूरह शुआरा एंड सूरह नंबर 42 वर्स नंबर 4 टिल 5। एवरीबॉडी कम ऑन कैमरा प्लीज। व्हेन यू टर्न योर कैमरा प्लीज टेक द कैमरा, ऑल ऑफ यू, हरी अप, जल्दी से। चलिए, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. الله سبحانه وتعالى says له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. To him belongs all that is in the heavens and on earth, and he is most high, most great. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. The heavens are almost rent asunder from above them, and the angels celebrate the praises of the Lord and pray for forgiveness for beings on earth. ألا إن الله هو الغفور الرحيم. Behold, verily Allah is He of forgiving the most merciful. صدق الله العلي العظيم. अच्छा देखिए, आयत का जो सबसे पहला हिस्सा है ना, फर्स्ट वन, इसे हम डिस्कस कर चुके हैं आयतुल कुर्सी में। जल्दी से आयतुल कुर्सी खोलिए अपनी बुक में, द वेरी फर्स्ट पैसेज, आप उसकी पहली लाइन देखिए, उसमें लिखा हुआ है ना, लहू मा फिस समावाती वा मा फिल अर्ज, राइट? यस सर। ओके, तो इसको हमने वहां पे डिस्क्लेयर पर डिटेल में हमने इसको एक्सप्लेन किया था, इसकी समझ ये थी, व्हाटएवर वी सी इन द स्काइज इन द हेवंस, आसमान पे आपको यू सी द सन द मून द स्टार्स गैलेक्सीज मिल्की वे ऑल द प्लैनेट्स इज कंप्लीट यूनिवर्स फर्स्ट स्काई सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ व्हाटएवर इज इन बिटवीन द स्काइज व्हाटएवर इज बियॉन्ड दीज स्काइज ऑल द बर्ड्स क्रिएचर्स अल्लाह सुभानहू व तआला इज द ओनर ऑफ इट एंड व्हाटएवर वी सी ऑन अर्थ और इनसाइड अर्थ ठीक है दैट इंक्लूड ऑल द मिनरल रिसोर्सेज गोल्ड सिल्वर प्रेशर्स विद इन द अर्थ माउंटेन सीज ह्यूमन बीइंग्स लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स बर्ड्स एनिमल्स Everything belongs to Allah subhanahu wa ta'ala. He is the true owner. He is the actual owner. We are not the owner. Things have been given to us simply to use it and then return it back to Allah subhanahu wa ta'ala. That's why we are not allowed to commit suicide. Okay? We are not allowed to consume such a stuff which is harmful for our body. That's why I'm a drug lena haram. Okay? Apni sehat ka khayal rakhe. Bila wajah bahut meethi cheeze nahi khaye. Okay? Which can cause one sugar. Aisi cheeze apni health ka khayal rakhe. Don't cause any diseases to yourself or intention or careless. Okay? So, हर चीज़ एक अल्लाह की अमानत है. I need to use it positively. मैं देखें जो students कैमरा बंद करेंगे ना, then I'll without saying anything, मैं आपको क्लास से लीव कर दूँगा, रिमूव कर दूँगा. आयशा इशफाक, आपका कैमरा क्यों नहीं ऑन है? आपने मेरी बात नहीं सुनी थी. मोहम्मद जवाद, why your camera is off? जी. समीन काशिफ, समीन का रास्ता है, समीन इज दिस जी जवाब कैमरे के ऊपर जाता है भाई, थोड़ी देर में स्पीकिंग आउट ऑफ माय जॉइंट, आई डोंट नो व्हाट दैट इज, किसके बैकग्राउंड, किसके बैकग्राउंड से आवाज आ रही है? स्टॉप इट प्लीज, स्टॉप इट, एंड देन आई स्पीक, आप क्लास फोकस कर रहे हैं, कोई और चीजें देख रहे हैं, बता दो मुझे. आयशा इशफाक, कैन यू हियर मी? नहीं, आई एम रिमूविंग यू फ्रॉम द क्लास. एब्सेंट भी मार्क होंगी आप, मेरा क्लास से बाहर जाएगी. ठीक है, हु एल्स इज देयर? इंशरा, बेटा रिप्लाई कीजिए. अंशरा, इंशरा बेटा माइक पर जवाब दीजिए मुझे क्विकली, जल्दी. यस सर. जी, तो इंशरा बेटा, कैमरे का प्रॉब्लम है आपके साथ? क्या प्रॉब्लम है, कैमरे क्यों प्रॉब्लम है? यस सर. जी, जल्दी सही है कैमरे पर. आयशा नासर इज वेल, इनफ इज इनफ, आप लोगों को बहुत समझा दिया भाई, तो ज़रा टाइम इतना ज़्यादा हो. क्लिक क्लिक करो कैमरा. अच्छा जी, फिर हम देखें, देन अल्लाह सुब्हानहु व तआला सेज वहुवल अलीयुल अज़ीम and he is the most high, most great. And Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala ke sath zaat sabse buland hai aur sabse zyada azim hai.
जो आगे जो आयत का हिस्सा बेटा इसे जरा केयरफुली जरा स्टडी कीजिएगा ठीक है. अल्लाह सुभान व तआला सेज تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن. The heavens are almost rent asunder. The heavens are almost rent asunder. क्या मतलब? इसका मतलब है जिसे उर्दू में यूं कहते हैं करीब था कि आसमान फट कर गिर पड़ता. Meaning that it was about to happen, as if the earth, as if the sky would split, it would fall upon the people. Like this thing was just about to happen. लेकिन नहीं हुई. क्यों नहीं हुई? Because Allah Subhanahu Wa Taala has stopped the sky. Allah Subhanahu Wa Taala is holding the sky. Allah Taala ने आसमान को अपनी कुदरत से अपनी पावर अपनी अथॉरिटी से रोका हुआ है और लोगों पे गिरता नहीं. देखिए इसको इस वर्स को जरा समझिएगा. कभी कभी देखिए हम उर्दू इंग्लिश में एक सेंटेंस कहते हैं यूजुअली इट्स अ कंडीशनल सेंटेंस यू नो लाइक विद इफ. तो हम आधा जुमला कहते हैं और बाकी बोलते नहीं है क्योंकि अंडरस्टूड होता है. फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ अगर कल आपने क्लास टाइम पे ज्वाइन नहीं की ना तो बाकी अंडरस्टूड. अच्छा भाई सर क्लास में नहीं आने देंगे कोई पनिशमेंट देंगे वगैरह ठीक है. तो वो अंडरस्टूड हो जाता है. तो मैं आपको सिर्फ इतनी बात कह सकता हूँ अगर तुमने कल होमवर्क नहीं किया ना अगर तुम क्लास पे टाइम पे नहीं आए बाकी चीजें अंडरस्टूड है इज़न्ट इट. तो कुरान में समटाइम्स ऐसा होता है एक जुमला कहा जाता है लेकिन उसका जो बाकी हिस्सा होता है इट्स नॉट रिटन ओवर देयर बिकॉज़ दैट्स अंडरस्टूड. तो अल्लाह सुभान व तआला ने यहाँ पे जो फरमाया ना तकादुस समावातु यतफत्तरना मिन फौकिहिन. The heavens are almost rent asunder from above them, meaning the sky is about to split and fall upon the people. तो क्या बात समझ में नहीं आई ना? तो बाकी चीज में understood है. वो क्या? कि अल्लाह सुबहानहू व तआला ने इसको रोका हुआ है due to mercy upon the people. Getting everybody? बात समझ आ रही है आपको? Yes sir. अच्छा यहाँ पर अब आप यहाँ पे एक बात समझिएगा. देखिए जमीन और आसमान का जो पूरी कायनात का निजाम है ना ये तब तक बाकी रहेगा जब तक जमीन पे अल्लाह सुभानहू व तआला का कोई ना कोई नाम लेने वाला हो. जब जमीन पे अल्लाह का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा तो कयामत कायम हो जाएगी. तो आप जानते हैं जब कयामत कायम होगी सो इट इज गोइंग टू बी अ डे ऑफ डिस्ट्रक्शन और देयर एवरीथिंग विल बी डिस्ट्रॉयड व्हाटएवर एग्जिस्ट्स द सन मून अर्थ पीपल हाउसेस एवरीथिंग विल बी डिस्ट्रॉयड. दैट इज अ डे ऑफ डिस्ट्रक्शन. जब हजरत इसराफील अलैहि सलाम सूर फूंकेंगे इज गोइंग टू ब्लो द ट्रम्पेट यू नो इज गोइंग टू प्रोड्यूस अ वेरी 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 हाई साउंड जिसकी वजह से हर चीज तबाह हो जाएगी. देन आफ्टर 40 इयर्स ही इज गोइंग टू ब्लो इट अगेन बाय द कमांडमेंट ऑफ अल्लाह एंड देन पीपल आर गोइंग टू रिजरेक्ट बैक. अपनी कब्रों से लोग जिंदा होकर निकलेंगे एंड दैट इज एक्चुअली द डे ऑफ जजमेंट. लेकिन डे ऑफ जजमेंट से पहले एक डे ऑफ डिस्ट्रक्शन है. तो याद रखिएगा ये डे ऑफ डिस्ट्रक्शन तब आएगा जब जमीन पे अल्लाह का नाम लेने वाला कोई इंसान बाकी नहीं रहेगा ठीक है. सो व्हेन एवरीबॉडी विल बी अ नॉन मुस्लिम ऑल द पीपल विल बी नॉन मुस्लिम देयर इजंट गोइंग टू बी अ सिंगल मुस्लिम लिविंग जो अल्लाह का नाम लेने वाले. Got everybody? तो जब हम कयामत के बारे में पढ़ते हैं जमीन आसमान तबाह हो जाएंगे everything will be destroyed. तो इंशाल्लाह ये दिन हम मुसलमानों पे तो नहीं आएगा काफिरों पर जरूर आएगा कि वो नहीं के सामने सारी चीजें तबाह बर्बाद होंगी इसी पूरा निजाम जो है कायनात का खत्म होगा. सो इट्स हियर लाइज अ सीक्रेट कि जमीन और आसमान का जो निजाम है वो अल्लाह के नेक बंदों की बरकत से कायम रहता है. बिकॉज दे आर वर्शिपिंग अल्लाह दे आर ओबेइंग अल्लाह दे कंटिन्यूअसली प्रेजिंग अल्लाह दे कीप ऑन सीकिंग द फॉरगिवनेस ऑफ अल्लाह ठीक है. तो जमीन आसमान का निजाम कायम रहे. ऐसे देखिए कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब तक लोग इस्तिग़फ़ार करते रहेंगे अल्लाह ताला इन पर अजाब नहीं देगा. आप कुरान में साबिका कौमों के बारे में पढ़िए प्रीवियस नेशंस के बारे में तो उनमें जितनी भी खराबियां थी जिनकी वजह से उनके ऊपर अजाब आया कलेक्टिव अजाब द होल नेशन वॉज डिस्ट्रॉयड द होल कम्युनिटीज वर डिस्ट्रॉयड. हम में वो तमाम बुराइयां मौजूद हैं उम्मत मुस्लिम में लेकिन हम पे अजाब नहीं आता फिर भी क्यों? क्योंकि उसकी दो वजह है. एक तो अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया दैट ओ बिलवड सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंटिल यू आर अमंग्स द पीपल आई एम नॉट गोइंग टू पनिश देम. जब तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है हमारे दरमियान अल्लाह ताला पे कलेक्टिव अजाब नहीं भेजेगा. एंड सेकंडली अल्लाह सुभान व तआला सेज आई एम नॉट गोइंग टू पनिश देम अंटिल दे कीप ऑन सीकिंग फॉरगिवनेस फ्रॉम मी. जब तक लोग अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करते रहेंगे तौबा करेंगे अल्लाह ताला पूरी कम्युनिटी पे अजाब नहीं भेजेगा कभी ठीक है. इंडिविजुअल पनिशमेंट्स होती है वार्निंग्स होती है जस्ट लाइक यू आर सीइंग द कोविड 19 पेंडेमिक इट्स अ वेरी बिग वार्निंग फॉर एवरीवन कि हमें तौबा करनी चाहिए अल्लाह की बारगाह में. यू सॉ द लोकस्ट थिंग यू नो देखा आपने न्यूज में द मिलियंस ऑफ लोकस्ट अटैकिंग डिफरेंट एग्रीकल्चर फील्ड इट्स अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट ऑफ अल्लाह इट्स मेंशन इन कुरान. आप पढ़िए ऐसे ही डिफरेंट जो हमारे यहाँ बीमारियां परेशानी डिफरेंट चीजें होती हैं ऑल वार्निंग्स ऑफ अल्लाह फॉर अस ठीक है. तो मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो ये कि देखिए इस्तिग़फ़ार कितनी बरकत होती है अल्लाह की बारगाह में इसकी वजह से जमीन आसमान का जो निज़ाम आपको नजर आ रहा है ना दैट हियर लाइज़ अ सीक्रेट
which it exists due to it. जब लोग ये करना छोड़ देंगे तो पूरा निजाम तबाह बर्बाद हो जाएगा. ठीक है, तो इसमें हमें ये वॉर्न किया जा रहा है कि देखो आसमान तो तुम्हारे ऊपर अभी कभी गिर सकता है और सब चीजों को तबाह कर सकता है. इसे रोकने वाली जात किसकी है? अल्लाह की. यू नीड टू हैव फियर ऑफ अल्लाह. हमें अपने आमाल पे गौर करना चाहिए. एक आसमान हमारे ऊपर अभी कभी गिर सकता है. देखिये आप जिस भी जगह पे बैठे हुए हैं, अपने घर में बैठे हुए, तो आपको अपने आसपास दीवारें पिलर्स नजर आ रहे हैं? Yes. आ रहे नहीं आ रहे? Yes. बगैर पिलर दीवारों के कोई छत नजर आती है कभी आपको? No. नहीं ना, एग्जिस्ट नहीं कर सकते. अच्छा, इतना बड़ा आसमान आपको नजर आता है, सिर्फ कोई पिलर्स और दीवारें नहीं है? समझेंगे सर, दूर दूर तक आप देखते जाए, यू वॉन्ट फाइंड अ सिंगल पिलर, नो वॉल. It exists right above us, not just one sky. There's first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh. Baba, tell me who's holding the sky? Allah. With His mercy. Okay. वरना हमारे अमाल तो ऐसे हैं कि अभी के अभी से शायद हमारे ऊपर गिर जाना चाहिए. ठीक है. So it's only Allah's mercy. तो ये हमें realize करने के लिए कि देखिए हम जितना भी exist करते हैं ना दुनिया में, तो अल्लाह का करम है, अल्लाह की रहमत है, उसकी तरफ से एक मोहलत दी गई है ताकि हम अच्छे अमाल कर लें, अपने आप को करेक्ट कर लें. लोग खुद माफ करना चाहे मुसलमानों को तो कर दे, वरना अल्लाह की नाफरमानी करके कोई कहां भाग सकते. The whole universe is the kingdom of Allah, na? तो अल्लाह की किंगडम से तो कोई भाग के कहीं नहीं जा सकता ना. अल्लाह की से बंदा भाग के कहां जाएगा? So we need to understand. इसलिए हमें बताया जा रहा है. ठीक है, अच्छा then आगे बढ़ते हैं. जी सर, आयशा का नेट नहीं चल रहा था इसलिए वो कैमरा तो उनका खुला था मगर दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि उनका नेट स्लो चल रहा था. अच्छा, उनसे कहीं ज्वाइन करें तो वो रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रही थी? माइक तो यूज कर लेना भाई. माइक भी यूज नहीं कर रही, कोई रिस्पॉन्डिंग कर रही थी. चले उनसे कहीं जरा ज्वाइन कीजिए, कोई बात. अच्छा जी, जरा आगे देखते हैं. अल्लाह सुभान व तआला सेज वल मलाइकातु युसब्बिहूना बिहमदि रब्बिहिम व यस्तगफिरून लिमन फिल अर्द. एंड द एंजल्स सेलिब्रेट द प्रेजेस ऑफ द लॉर्ड एंड प्रे फॉर फॉरगिवनेस For beings on earth. इसको समझ लीजिए. देखिए अल मलाइका, it's an Arabic word which means angels. Okay? तो मलाइका का मतलब क्या होता है? Angels. Aisha, do you have a question? Aisha, answer. You have a question, आपका? Sir, I can't hear you. Everybody, can you hear me? Rest of you? Yes, sir. Yes. Aisha, आपके नेट प्रॉब्लम है. अच्छा जी, चलिए मलाइका मींस एंजल्स. अच्छा, इसके बाद एक वर्ड लिखा युसब्बिहून. इट कम्स फ्रॉम द वर्ड तस्बीह. आपने सुना होगा ना भाई, अल्लाह की तस्बीह बयान करो. तस्बीह का मतलब क्या होता है? लिख लीजिएगा अपने पास. टू प्रोक्लेम द प्योरिटी ऑफ अल्लाह. टू प्रोक्लेम द प्योरिटी ऑफ अल्लाह, और इन अदर वर्ड टू सैंक्टिफाई अल्लाह सुभान व तआला. Tasbih means to proclaim the purity of Allah or to sanctify Allah. Beta, Aisha is saying, sir, now I can hear you. I had not listened a single word. Beta, everybody else can hear me, na? Beta, problem that I have to call, nahi taraf se nahi hai. Beta, aapke answer problem. Yes, sir. Beta, can you repeat? बेटा पूरी बात अभी मैं ये पार्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यहाँ से फॉलो कर ले. देखिए वल मलाइकातु युसब्बिहून. मलाइका मींस एंजल्स इन अरबिक. युसब्बिहून कम्स फ्रॉम द वर्ड तस्बीह. तस्बीह मींस टू प्रोक्लेम द प्योरिटी ऑफ अल्लाह और टू सैंक्टिफाई हिम. टू प्रोक्लेम द प्योरिटी ऑफ अल्लाह और टू सैंक्टिफाई हिम. ठीक है. अच्छा, अब देखिए इसको उर्दू में कहते हैं अल्लाह की पाकी बयान करना. देखिए इससे नमाज के बाद हम पढ़ते हैं ना, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह पढ़ते हैं. कौन कौन नहीं पढ़ता? ये कौन कौन पढ़ता है? पढ़ा करें. ठीक है, 10 times अल्हम्दुलिल्लाह, 10 times सुभानअल्लाह, 10 times अल्लाह. ठीक है,
जब हम सुभान अल्लाह कहते हैं तो हम अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहे होते हैं, यानी अल्लाह की पाकी बयान कर रहे होते हैं। क्या मतलब है इसका? मतलब ये भी है सेइंग या अल्लाह यू आर फ्री ऑफ ऑल फॉल्ट्स एंड डिफेक्ट्स एंड यू आर नॉट सिमिलर टू द क्रिएशन, नॉट एट ऑल। यानी हम में जो परफेक्शन होती है ना उसको भी अल्लाह के लिए मानना, दैट्स अ फॉल्ट एज वेल। ठीक है, अल्लाह सुभान व तआला ही इज अबव एंड बियॉन्ड द क्रिएशन, ही इज नॉट सिमिलर टू द क्रिएशन एट ऑल। ठीक है एवरीबॉडी, क्लियर? Aisha cannot join, but I don't know what's the reason why she can't join. We can't help in this one. I don't know. अच्छा जी। अब आपको interview। क्या करनी है आप मुझे? अब मैं आवाज आ रही है मुझे। आवाज आ रही है आपको? ठीक है। अच्छा जी। अच्छा फिर इसके बाद आप जरा देखें। बिहम्दी रब्बिहिम। अच्छा तो ये हो गया तस्बीह का meaning, to sanctify Allah, to proclaim the purity of Allah. Hamd means to praise Allah. जैसे हम सूरह फातिहा में पैक करते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ऑल प्रेज बिलोंग्स टू अल्लाह। या हम जैसे कहते हैं अल्लाह सुभान व तआला ने इस चीज को कितना खूबसूरत बनाया, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे रिस्क दिया, अल्लाह ने मुझे खाना अता किया। ये सारी चीज अल्लाह की तारीफ होती है, अल्लाह ने कितना जबरदस्त खूबसूरत निज़ाम बनाया, अल्लाह ताला कितना पावरफुल है कि उसने मुझे जिंदगी दी, अल्लाह सुभान व तआला कितना रहम करने वाला है कि उसने मेरे गुनाहों को बख्श दिया। ये सारी अल्लाह की तारीफ है। अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है? Look at the Arabic word, ठीक है? Well, malaikatu and angels, yusabbihuna, they proclaim the purity of Allah, bihamdi rabbihim, they proclaim the purity of their Lord, bihamdi rabbihim, along with his praises. So angels, they are doing two things, they are proclaiming the purity of Allah as well, along with the praises of Allah. तो इससे हमारे लिए ये lesson है कि हमें भी ये करना चाहिए, इसलिए हमें बताया जा। अल्लाह सुबहान व तआला की कसरत से तारीफ करें, ठीक है, और कसरत से अल्लाह ताला की पाकी बयान करें। तो जैसे मैंने आपको बताया, आप हर नमाज की बात याद करना, 10 बार सुभान अल्लाह, 10 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 10 बार अल्लाह हू अकबर। ऐसे सोने से पहले 33 times ईच वन ऑफ दीज थिंग्स किया करें, 33 times अल्हम्दुलिल्लाह, 33 times और आखिर में एक बार कलिमा तैयब, ये थकन है सबके सब दूर। ठीक है, तो ये कैसे इस तरीके से दिन रात में जब भी आपको टाइम मिलता है ट्राई रिमेम्बरिंग एंड दे प्रे फॉर द फ्रेग्रेंस ऑफ बीइंग्स ऑन अर्थ, यानी फरिश्ते हमारे लिए इस्तिग़फ़ार की दुआ करते हैं, जितने लोग जमीन पर रहते हैं ना क्रिएशन हमारे। इसमें हमारे लिए लेसन है कि हमें भी खुद अपने लिए भी और लोगों के लिए भी कसरत से इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए, तौबा करनी चाहिए। तौबा का मतलब ये होता है कि वी शुड फील गिल्टी ऑन अवर सिंस फर्स्ट ऑफ ऑल, देन वी शुड हैव द फर्म फेथ कि हम आइंदा कभी भी इस गलती को रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, और अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा के तौबा और माफी मांगनी चाहिए कि अल्लाह मेरे गुनाहों को बख्श दे, माफ करना जो मुझसे जान बूझ के गलती से जो मुझसे मिस्टेक्स हुई। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फील गिल्टी इन अवर हार्ट ऑन द सिन दैट वी हैव डन, we need to think that this is wrong, we need to believe. Second, we need to have a firm will ke aainda ye hum repeat nahi karenge, this is necessary. And third, we need to seek Allah's forgiveness through word, ya Allah mere gunahon ko bakhsh de. To jitni baar bhi insaan tauba karega Allah taala se gunahon ko maaf farma dega, Allah taala so merciful, chahe jitna bada gunah kyun na kiya, jab tak zindagi hai insaan tauba karta rahega sachi niyat se Allah taala maaf karega. चले उस बंदे ने इरादा किया लेकिन 3-4 दिन बाद इरादा वीक हो गया, फिर से गुनाह किया, फिर रियलाइज हुआ, फिर तौबा करेगा अल्लाह ताला फिर गुनाह को माफ कर देगा। डजंट मैटर हाउ मेनी टाइम्स अ पर्सन हैज कमिटेड सिंस, अल्लाह ताला इज गोइंग टू फॉरगिव देम एवरी टाइम। इट्स अमेजिंग, यू नो देयर आर नो लाइफलाइंस, तो भी एक बार किया, दो बार किया, तीन बार किया, नहीं, जितनी बार तौबा करेंगे अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ कर देगा। बट गिवन के हर टाइम सच्ची नीयत के साथ इंसान तौबा करे, अब दिल में ये नीयत हो कि मैं गुनाह करूंगा, ये इंसान गुनाह कर रहा हो सिर्फ जबान से कह रहा हो अस्तग़फ़िरुल्लाह, ये तौबा नहीं होती। ठीक है, मतलब ये हम अल्लाह ताला को तो चीट नहीं कर सकते ना, अल्लाह ताला तो हमारी इंटेंशन जानता है। इट्स लाइक आप सोचें कोई चोर है, वो चोरी कर रहा है, वो चोरी करते हुए कह रहा है अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, बेस्ट ऑफ द एनोटेशन, नोबडी इज गोइंग टू राइट ऑन द स्क्रीन। ठीक है, फाइंड आउट कर लूंगा, अच्छा नहीं होगा। तो ये क्लियर एवरीबॉडी? गॉट इट? यस सर। You have learned the method of tawbah as well. Tawbah ki kya conditions hoti, repentance ki kya conditions hoti. Then Allah says, Allah inna allaha huwal ghafoorur raheem. Behold, verily Allah is He, the oft forgiving, the most merciful. Allah is al-ghafoor. Ghafoor ka matlab hota hai jo bahut bakhshne wala hai. And the raheem, that He is the most merciful.
तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. देखिये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहले जमाने में एक औरत थी जो बहुत बुरे काम करती थी. ठीक है, तो एक दिन वो कुएं पे पानी लेने के गई, के लिए गई. उसे देखा कि कुएं के बाहर एक प्यासा कुत्ता बैठा हुआ है जो प्यास से उसकी जबान बाहर निकली हुई है, सब गर्मी है लेकिन वो पानी पी नहीं सकता. उस औरत ने क्या किया कि पानी निकाला और अपने जो सॉक्स होते हैं उसको उतार के उसको डुबोया पानी में, भिगो के उस कुत्ते के मुंह में पानी डाल दिया निचोड़ के. अल्लाह ताला को उसके अमल इतना पसंद आया है, अल्लाह ताला फॉरगिव ऑल हर सिंस. बहुत ही बुरी औरत थी और बहुत बुरे काम किया करती. आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट. अल्लाह ताला ने इस नेक अमल की वजह से उसके गुनाहों को बख्श दिया. अल्लाह ताला सो मर्सीफुल कि बाज़ों का अल्लाह किसी से हमारी जिसको वो नेक चीज को हम छोटा सा समझते हैं उस पर भी राजी हो जाता है, गुनाहों को माफ कर देता है. एक हदीस में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक औरत को इस वक्त अजाब हो रहा है पहले जमाने की औरतों में. क्यों अजाब हो रहा है? क्योंकि वो अपने घर से गई और उसने अपनी बिल्ली को बांध के रखा, वो भूख प्यास से मर गई. ना तो उसने उस बिल्ली के लिए इतना खाना पीना रखा कि वो उसको खाती के जिंदा रह सके, ना उसको आजाद छोड़ दिया कि जाके खुद शिकार करे और खा ले. तो वो बांध के गई घर. मैंने क्या सुना हुआ है? सुना था आपने? वेरी गुड. अच्छा, इसे काफी जगह इसको बयान किया जाता है, इट्स वेरी इंस्पिरेशन. तो हुज़ूर फरमाए उसको अजाब दिया जा रहा है क्योंकि उसकी वजह से, उसकी गफलत की और केयरलेसनेस की वजह से बिल्ली मर गई. तो देखिए, एक जगह पे एक बेजान चीज पे रहम किया तो अल्लाह ने गुनाहों को बख्श दिया, तो एक जगह पे एक बेजान चीज, सॉरी वो बेजबान, नॉट बेजान, बेजबान के साथ अच्छा सलूक किया तो अल्लाह ने गुनाहों को बख्श दिया, और एक बेजबान के साथ बुरा सलूक किया तो देखिए अल्लाह ताला इस वजह से उसको अजाब दिया. तो सोचिए, एक बेजबान की मदद करने, उसे ख्याल रखने का इतना अजर इनाम होता है. तो जो जिंदा लोग होते हैं, जिंदा इंसान है, गरीबों को खाना खिलाया, आज जिनके कपड़े नहीं उनको कपड़ा पहनने, उनकी एजुकेशन नहीं उनको एजुकेशन दे, उनकी हेल्प आउट करें तो उसका कितना बड़ा अजर इनाम होगा. अल्लाह ताला इज वेरी वेरी मर्सीफुल. आप सोच नहीं सकते अल्लाह की रहमत इतनी बड़ी. इट्स वन ऑफ द ट्रिक्स ऑफ शैतान की हमसे जब गलती हो जाती है ना, तुमको कहता है कि तुम यूर सो बैड, यूर सो डर्टी, यूर सो गिल्टी, यू नो, कि तुम्हारी तो तौबा ही नहीं हो सकती. यू कैन नेवर करेक्ट योरसेल्फ. It's one of the tricks of shaitan. Whereas Allah Ta'ala wants us to repent. He keeps on telling us, you know, जब तुम तौबा करोगे तो मुझे तौबा करने वाले लोग पसंद. जो गलती करें अपनी गलती को एक्सेप्ट करें, अल्लाह के बारे में तौबा करें. अल्लाह ताला loves such people. Allah Ta'ala wants people to try again and again. And that's how we do in other fields of life. ठीक है, अल्लाह ने कहीं हमसे ये नहीं कहा कि तुमसे कोई गुनाह नहीं होना चाहिए, लेकिन अल्लाह ने यह जरूर कहा कि गुनाह हो जाने के बाद इंसान को चाहिए कि फौरन तौबा करें, तो कोशिश करें कि आइंदा कभी गुनाह नहीं. आप देखिए कुरान में इट हैज बीन रिपीटेड अगेन एंड अगेन. आप सूरह फातिहा पढ़ते हैं तो सबसे पहले अल्लाह ने यही फरमाया ना, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम. अर्रहमान द मोस्ट कंपैशनेट, अर्रहीम द एवर मर्सीफुल. अल्लाह ने तो अपने तारुफ ऐसे करा. तो जब भी गलती हो जाए, वी नीड टू रन बैक टू अल्लाह ताला. ऑलराइट, ठीक है, तो फिर कोशिश भी करनी है, स्ट्राइक भी करनी है कि आइंदे गलती नहीं हो. Mean to think, you know, कि गलती क्यों हो रही है, और हम अपने साथ सिंसियर होंगे इंशाल्लाह, so we can fight back. All right, everybody, clear? Yes. So you know the main theme of this Quranic passage is, if we start looking from the beginning, it's first of all the authority and power of Allah. That Allah Taala is the owner of everything that exists in the heavens and in this earth. Okay? Then Allah Taala has the control, has everything in His control and power that He is holding the skies. You know, otherwise it was just about to fall apart. Then we learn that angels are also creation of Allah, and they praise Allah subhanahu wa ta'ala, they sanctify and they proclaim the purity of Allah, and they seek forgiveness for everything that exists. So we need to praise Allah as well, we need to proclaim the purity of Allah as well, we need to seek forgiveness for ourselves and the people around us as well. Okay? And then we learn that Allah subhanahu wa ta'ala is most merciful. Yeh iski main theme hai. Any points ko aap explain kar de with some references to aapka part A ka answer ho jayega. For part B, we need to derive some lessons. Everybody got it? Clear? Yes, sir. ठीक है, तो आज ये कंप्लीट हुआ. तो बेटा यहाँ तक तैयारी कर लीजिएगा, ट्यूसडे को मैं आपका एक टेस्ट भी ले लूंगा. होमवर्क भी आपको पता है, सेम टू क्वेश्चन आपको इसके भी करने. ठीक है, तो ऑफिशियल पोर्टल पे मैं आपको होमवर्क सेंड कर दूंगा. चलो इधर आपके अटेंडेंस ले लूं. सर इसमें क्या लेंगे? आयशा से कहिएगा नॉट टू वरी. ठीक है, रिकॉर्डिंग देख लें यूट्यूब पे, इंशाल्लाह नॉट अ प्रॉब्लम. उसे कहेगा सर, कह रहे थे कि ज्वाइन कर ले, लेकिन वो फिर ज्वाइन हो नहीं रहा. सर मैं आपको अभी तो सुन रही हूँ, मैं बीच से तो नहीं सुनी, वो मैं यूट्यूब से देखूंगी. हाँ आप वीडियो सुन लीजिएगा, नॉट अ प्रॉब्लम. किसी स्टूडेंट से कवर कर लीजिएगा, नहीं समझ आए फिर भी तो मुझे बता दीजिए. ओके, एनी क्वेश्चंस एवरीबॉडी? नहीं, टेस्ट किस चीज का लेंगे आप? बेटा टेस्ट कुरानिक पैसेजेस 1 टिल 4 जो आज आपने पढ़ लिया ना, इसमें से किसी एक कुरानिक पैसेज का, एक या दो का मैं आपको लूंगा.
ऑन ट्यूजडे. बेटा जिनको नहीं पता उनको बता दीजिएगा, ठीक है? ओवन ओ टू स्टूडेंट बहुत ऑफ यू, जिनको नहीं पता उनको प्लीज इन्फॉर्म कर. अच्छा बेटा एक रिक्वेस्ट मैं आप सबसे करूंगा, चलें यहीं पे क्लास ओवर करते हैं, ठीक है? रिकॉर्डिंग में जरा रोको, सी यू देयर इंशाल्लाह. लेकिन क्लास नहीं मत कीजिए.